बाबा चार विंग्स आई है, स्पार्क विंग है, मीडिया विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, रिलीजियस विंग है, धार्मिक विंग। समझे
जो आपको आगे क्या करना है सुना, लेकिन आगे बढ़ना है उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सुनाओ और लिस्ट निकालो कितने इस वर्ग के तरफ से ऐड होते हैं। होते हैं लेकिन पता नहीं पड़ता। बाकी बाप दादा सभी विंग्स को मुबारक दे रहे हैं। हर एक विंग ये कोशिश करती है कि सेवा की वृद्धि हो और वृद्धि का प्लान भी अच्छे बनाती है। चारी वर्ग अपने अपने सेवा अच्छी कर रही है क्योंकि विंग्स अभी समझते हैं हम जिम्मेवार। कोशिश भी अच्छी करते हैं विंग्स। इसीलिए बाप दादा खुश है और इसी रीति से जैसे अटेंशन दे करके विंग्स के कार्य में लगे हुए हो ऐसे ही और भी आगे बढ़ते रहो। मुबारक बाप दादा देते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहो। विंग्स के लिए बाप दादा कह रहे कोई भी विंग कमजोर नहीं है, अपने हिसाब से आगे ही बढ़ रही है। बाकी बाप दादा ने जो काम दिया है वो तो ध्यान पर होंगे। समझदार वीआईपी तैयार करो, जहां भी सीआईपी आती है हर विंग से ऐसे समझदार मत वाले का एक ग्रुप बनाओ जो वो भिन्न भिन्न वर्ग वाले ग्रुप मिल करके एक एक बात को स्पष्ट करें। ये काम जरूर करो, ये काम आगे वाले कर सकते हैं, हिम्मत दिला सकते। अभी प्रैक्टिकल में आवाज निकले कि ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती, इस 75 वर्ष के सर्विस ने सभी को ब्रह्मा कुमारी का महत्व स्पष्ट किया है। आवश्यक है
कर सकती है यहाँ तक आई। सब वर्ग का सहयोग है, लेकिन परमात्मा है, ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंची है, परमात्मा आ गई है। अभी ये कम समझ में आता भी है, जिस समय सुनते हैं उस समय दशा चलते हैं, लेकिन मैदान में आवे वो हिम्मत अभी आ रही आएगी, आनी तो है। अभी आने की हिम्मत आई है, कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे डल नहीं जाता है, सक्सेस जाता है। पहले नाम सुन के ही भागते थे ना, अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही और विधि पूर्वक करते हैं। इतना टेंशन के बाप दादा चारी फिंग के नाम भी देखे जिन्होंने दिए, कनेक्शन में तो अच्छे है, लेकिन उन्हों को सामने तो रलाओ, उन्हों का प्रोग्राम करो, प्लान तो उन्हों को क्या कर सकते हैं। धरती तैयार हुई है, अभी फल निकल, सभी बैठेंगे।